हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने किचन कुकिंग साक्षी में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। इसका जो मसाला है मैंने इसको अलग तरीके से बनाया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आलू का पराठा बनाना। अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटे का डोई तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने एक छोटे बाउल से आटा लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक, अजवाइन 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये 1/2 ग्लास मैंने पानी लिया है, नीट नॉर्मल पानी है। अब इससे हम आटा तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, बट मैं बिना ऑयल डाल बना रही हूँ मोयन के लिए। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे इसमें। एकदम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे हम, जैसे रोटी का होता है। तो देखिए, डो हमारा रेडी हो गया है। और जितना मैंने पानी लिया था, 1/2 ग्लास मैंने इसमें पानी लिया था, तो उसमें अभी 4-5 चम्मच पानी बच गया है। और अब इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। और स्टफिंग का मसाला तैयार कर लेते हैं अब हम। स्टफिंग के लिए ये मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं, ये 4 से 5 मीडियम साइज के आलू हैं। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो ये एक प्याज मैंने मीडियम साइज का बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्च, ये 2 हरी मिर्च है। हरी धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट 1 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी पाउडर ये 1 छोटा चम्मच है, ये सूखा पुदीना है, ये मैंने सूखा के इसको दरदरा सा वो क्रश कर लिया है, ये भी 1 छोटा चम्मच है। इसकी जगह आप फ्रेश पुदीने का पत्ता भी डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच है। चिली फ्लेक्स, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। धनिया पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक अभी हम बाद में डालेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर आप लहसुन और प्याज स्किप करना चाहते हैं तो बिना लहसुन प्याज के भी आप बना सकते हैं। आलू में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और साथ में 1/2 टीस्पून काला नमक। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आटे की लोइयां बना लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 5 से 6 पराठे बन जाएंगे। ऐसे ही करके हम सारा बना लेंगे। लोइयां मैंने बना ली हैं और उतने आटे में 5 लोइयां बनके रेडी हुई हैं। अब इसमें हम मसाला भरेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे भरना है। एक लोई लेंगे, उसको बीच से ऐसे होल करेंगे। अब इसमें मसाला डालेंगे। देखिए, ये 2 चम्मच मैंने भर के मसाला लिया है, इसको डालेंगे और दबाते हुए इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और ये इसको बाहर की तरफ दबाएंगे ऐसे, और इसको अंदर प्रेस करते जाएंगे मसाले को। देखिए कितनी आसानी से बन गया। ऐसे ही करके हम सारा बनाएंगे। तो एक मैं और आपको दिखाती हूँ कैसे भरना है।
आलू के पराठे हैं, मसाले अच्छे से फूटते हैं तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये। और ये जो मसाला मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग है। देखिए दूसरा भी मैंने बना लिया, तो अब ऐसे ही करके मैं सारा बना लूँगी लोई। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे लोइयों में अच्छे से मसाला भर लिया है। और ये मैंने घी लिया है, ये 3 टेबल स्पून घी है, तो इसको मैं इससे मैं सेकूंगी पराठे को। तो अब बेलना स्टार्ट करते हैं पराठा। तो एक पराठा मैं लूँगी और इसको सूखे आटे में टच करूँगी और इसको हाथों से पहले दबाएंगे ताकि चारों तरफ आलू का मसाला अच्छे से फैल जाए। अब इसको हम बेलेंगे। और ऐसे ही करके सारा हम बेल लेंगे। पराठा मैंने बेल लिया, अब इसको हम सेक लेंगे। तो तवा मैंने पहले से ही रख दिया था और मीडियम फ्लेम है। अब दूसरा हम बेल के आपको दिखाएंगे। सूखे आटे में डस्ट करूंगी लोई को, हाथों से पहले प्रेस करेंगे ऐसे ही। अब इसको बेल लेंगे। अब इस पराठे को हम पलट लेंगे 1 मिनट बाद और इस पर घी लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो किसी ऑयल में भी बना सकते हैं, जो ऑयल आप खाना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ भी पलट के घी लगा लेंगे और फ्लेम हम मीडियम टू हाई करते रहेंगे। और इसको प्रेस करूंगी अब। दोनों तरफ से अच्छे से हम सेकेंगे इसको पलट पलट के। देखिए फ्रेंड्स, कितने पराठे फूल जा रहे हैं। और देखिए दोनों तरफ से इसी को दिया है, तो इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे और ऐसे ही सारे पराठे हम सेक लेंगे। सारे पराठे सीख गए फ्रेंड, अब फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे बनके रेडी हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक फिंगर से ही टूट जा रहे हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, मैंने एकदम अलग तरीके से बनाया है। तो इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा। और कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक और शेयर भी करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।